गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का लगभग 7 बजने वाला है। अभी हम लोग ट्रेन के लिए रुक रहे हैं। अभी सुबह का 6:39 बज गया है, तो अभी फिलहाल अभी हम लोग कुमारगढ़ का स्टेशन में है। अभी ट्रेन के लिए वेट कर रहा है। ये है कुमारगढ़ इटिपुरा स्टेशन है, तो फिलहाल यहाँ से हम लोग रुक रहे हैं होटल जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए। अभी फिलहाल ट्रेन के अंदर में एंट्री करने वाला है, तो देखो इतना रश होते है, इतना सारा रश हो रहा है कि शायद जगह भी मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं। फिलहाल अभी तो चेकिंग करना पड़ेगा कहाँ से वो एंट्री मारने के लिए। लगभग सभी जोर में ब्लॉक करके रखा है क्योंकि गजब कॉन्टेस्टेड हो रहा है, बहुत सारा आदमी वगैरह। तो फिलहाल अभी यहाँ पे कूद लेता हूँ। अच्छा, तो अभी पहुँच गया ट्रेन के अंदर में। फिलहाल अभी हम लोग आधा रास्ता पहुँच लिया था। यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसेंजर है कि बहुत कंजेस्टेड हो रहा है। यहाँ लगभग हम लोग सीखे अभी कौन सा स्टेशन है, ये फिलहाल ये अम्बासा का स्टेशन होगा। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो इतना सारा आदमी है। देखो अभी हम लोग रास्ते पे रोकना पड़ रहा है क्योंकि ये क्रॉसिंग है, इसको वजह से अभी क्रॉसिंग हो रहा है। जलमोनी खाने जा रहे हैं, कैसे बोलो बनाते देख लो। तो फिलहाल बहुत सारा कंजेस्टेड है क्योंकि ज़्यादा पैसेंजर है, इसलिए फिर नज़ारा देखो ट्रेन का अंदर में। पैसेंजर लोग त्रिपुरा का पैसेंजर कैसे सवारी करते हैं ट्रेन का अंदर से, आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके दिखाएगा क्योंकि मेरा डब्बा जहाँ पे हम उठाए वो डब्बा का आप लोग को दिखाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी दबाव में तो हम मतलब दिखा नहीं सकेगा पूरा ट्रेन को, तो फिलहाल जितना देखा सकेगा इस तरफ में। सॉरी कितने हो रहा है रे, इतना ज़्यादा आदमी है, वाह इतना भीड़ है, जाए तो किसे जाए, बहुत सारा आदमी है। तो फिलहाल कोशिश ना करना पड़ेगा जितना सके आप लोग को दिखाने की कोशिश करेगा। ये हम लोग लगभग पहुँचने वाला है अगरतला, अभी फिलहाल थोड़ा ही है और उसके बाद में पहुँच ही लेगा वो भी, क्योंकि यहाँ पे बूमिंग वगैरह भी नहीं होते, ये नॉर्मल से अच्छा से जितना भी दूर हो 2-3 घंटा ट्रैवल करने से भी कुछ भी नहीं होते, अच्छा से पहुँच जाते हैं अगरतला। इसमें थोड़ा सा सज दीजिए, तो यहाँ का नज़र आप लोग को दिखाया है। हम भी जाने के लिए बहुत कंजेस्टेड हो रहे हैं कि क्योंकि
बहुत ज्यादा आदमी है इसलिए वीडियो क्या रहे तो ज्यादा नहीं है। एक्सक्यूज मी थोड़ा साइड दीजिए, देखो बहुत सारा आदमी है। छोटा भाई थोड़ा साइड दीजिए। तो अभी तो फिलहाल ट्रेन नहीं चलने लगी, हम लोग उतरने वाला है वोसी लिया है अगरतला का ये जोगेंद्र नगर स्टेशन में। तो सभी लोग उतर रहा है जो जो यहाँ पे उतरने का है। उसके बाद में और एक है वो लास्ट स्टेशन वाला होता है अगरतला का, क्योंकि हम लोग ये पहला वाला पे उतर रहा है। तो बहुत सभी लोग ही यहाँ पे उतर रहा है तो, तो अभी निकल रहा है हम भी, बहुत कंजेस्टेड भी हो रहा था। अभी थोड़ा सुकून मिलेगा, अभी तो उतरने वाला था। हाँ उतर लिया है। तो अभी जोगेंद्र नगर स्टेशन से तकरजला जाने के लिए अभी जा ही रहा था। अभी रास्ता पर अभी थोड़ा पैदल मरना पड़ रहा, क्योंकि ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस जैसे कि 2-3 मिनट का अंदर में आप पहुँच लेगा। यहाँ पे एक जंक्शन है आगे में जाके, आप लोग को दिखाएगा आगे में। तो वहाँ से तकरजला जाने के लिए रोड है बोला है, तो अभी पैदल मर रहे हैं। तो क्या होगा आगे पता चलेगा। अभी लगभग यहाँ पे स्टैंड वॉक करते हुए 10-15 मिनट हो गया, अभी तक तकरजला का व्हीकल नहीं मिल रहा है। तो कोशिश करेगा आगे तक कहाँ कितना तक जा सके। रघु जी बोला है, कुछ नाम बोला है, करेगा आनंद नगर बोल के जगह का नाम है आनंद नगर। अभी आनंद नगर पहुँच लिया है, फिलहाल देखेगा यहाँ से गबर डी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। थोड़ा सा नज़ारा देख लो आनंद नगर का, ऐसा होता है आनंद नगर। ये आनंद नगर का ऑटो स्टेशन छोटा वाला है, और यहाँ यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा देख लो ऐसा होता है। और इस तरफ में गबर डी और ठगा जरा जाने का रास्ता। नगर छोड़ के अभी जा रहा है गबोर्डी। तो देखो ऑटो मिल गया एक, सुबह से कुछ भी नहीं खाया तो फिलहाल अभी थोड़ा सा टिफिन कर लेता हूँ, कॉफी वगैरह पी के। यहाँ अभी पहुँच लिया है कुछ गबोर्डी बाजार बोल के, हमको एग्जैक्टली पता नहीं है प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। वो है कि हिंगबा बाजार नहीं, वो गबोरी गबोडी बाजार, एक्चुअली गबोडी बाजार बोलते हैं। तो अभी मेरा ब्रदर को रोक रहा है, तो अभी फिलहाल वो लोग आ नहीं रहा है। तो अभी थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पी के थोड़ा के लिए रुक, अभी सुबह से कुछ भी नहीं खाया तो थोड़ा चाय वगैरह पी लेता हूँ। और ऐसे भी भाई भी आ रहा है, स्कूटी लेकर आया बोला, अभी रुक रहा है वो लोग को फिलहाल। तब तक के लिए चाय पी के थोड़ा ठंडा कर लेता हूँ। एक्चुअली आज तकरजला में आके पहुंचा है, तो ये मेरा रूममेट प्लस मेरा भाई है और ब्रदर जोसेफ का घर में आ पहुंचा है। देखो ये आज का होने वाला ब्राइड ग्रूम है, देख लो जमाई बाबू है, ये ब्राइड ग्रूम है। तो उसका घर का थोड़ा झलक देख लो, नज़ारा देखो ऐसा होता है। खाना खाने के लिए और डेकोरेशन वगैरह भी खत्म नहीं हो रहा है, अभी तक चल रहा है, शायद आज रात में खत्म हो जाएगा क्योंकि कल में शादी है उसका। वो ब्राइड ग्रूम बनने वाला है और उसका किचन थोड़ा सा तो जरा दिखाएगा, किचन वगैरह किचन ये है ऐसा होता है। तो उसका फिलहाल अभी हम लोग खाना खा रहे हैं ब्रदर जोसेफ के घर में, जो आज हम लोग क्या क्या मिला है। बहुत बहुत टेस्टी लगा मुझे खाते हुए, कहना क्योंकि अब वीडियो उठाना पड़ रहा है।
ये चिकन का इंटेस्टाइन वगैरह है ये तो लिवर, 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 और लिवर कितनी? और ये लिवर है, ये इंटेस्टाइन बोल सकते हैं कितनी लिवर, लिवर कितनी है? तो लग आ रहा है तो बहुत टेस्ट है। ऊपर से दाल भी लेकर आया है। हम ब्रदर जोशी को बोला है थोड़ा कम खाने के लिए लेकिन बहुत ज़्यादा खाते, इसलिए अभी भी मुट्ठा ही हुए हैं। एक्चुअली दोस्त आर वॉचिंग फ्रॉम दोस्त आर वॉचिंग इन आवर वीडियो ऑल हाई हॉल आर इन्वाइटेड टू सपोर्ट एंड इन्जॉय ब्रदर जोसेफ वेडिंग पार्टी। आई विल शो यू एंड ये लोग, ये उसका स्टाफ है, ये भी टीचर है बोलो का। एक्चुअली ब्रदर जोसेफ अभी बन गया है टीचर है, आप लोग को ये न्यूज़ सुना रहा है। सेंट पीटर हाई स्कूल तगरजला जम्पुई जला सिफाई जला त्रिपुरा। They're supporting me to do and their school a vlog. So this all are from this St. Peter school and their hosteler. All of them are from hosteler. Actually ये लोग सब hosteler है। तो अभी नहाने के लिए prepare कर रहा था लेकिन vlog में वो लोग भी आना चाहते हैं, तो छोटा भाई लोग भी। तो यहाँ का school का ऐसा है, actually अभी under construction चल रहा है तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो फिलहाल ऐसा है। ये परमानेंट बनाया वाला है, ये देखो नज़ारा लगभग लगभग जैसे कि सो स्टूडेंट आराम कर सकेगा यहाँ पे। उस तरह में किचन है और ये है नज़ारा यहाँ का मेस हॉल। You don't wanna know if I feel right.